दोस्तों, इस समय मोदी के सबसे अच्छे दोस्त पुतिन के साथ काफी ज्यादा बुरा हो गया है। इस समय खबर निकल के आ रही है कि पुतिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही है। और अभी हमें सुनने को मिला था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीढ़ी चढ़ते हुए पीठ के बल गिर गए थे, जिनकी वजह से उनके पीठ पर काफी ज्यादा चोट आ गई है। लेकिन अभी इस चीज का खुलासा हुआ ही था कि अभी एक से बढ़कर एक खुलासे होते जा रहे हैं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि यहां पर अमेरिका ने पुतिन के शरीर के अंदर एक चिप डलवा दी है। इसके अलावा यहां पर पुतिन को बताया जा रहा है कि भयानक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसी जानकारियां निकल के सामने आ रही है, जिनको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, पुतिन दुनिया के सबसे फिट और स्वस्थ नेताओं में से एक हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उनके बारे में कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कि इन सभी बातों को झुठला देती है। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में चिल्ला चिल्लाकर बताया जा रहा है कि पुतिन को ब्लड कैंसर है, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ब्लड कैंसर का भी इलाज आजकल संभव हो सका है। लेकिन कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि उनको एक लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं बन सका है। ये बीमारी पुतिन को है और इस बीमारी के लक्षण लोगों ने पुतिन के शरीर में देखे भी हैं, जिसकी वजह से दावा ये भी किया जा रहा है कि उनको ये घातक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस और इस बीमारी से इंसान बच नहीं पाता है। इसको लेकर दावा ये भी किया जाता है कि अगर जिस इंसान को ये बीमारी हो जाती है, इस बीमारी के 10 से 20 साल के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। इसका अब तक कोई इलाज नहीं बन सका है और इसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और अभी पुतिन के शरीर में जो लक्षण दिख रहे हैं, वो लक्षण इसी बीमारी के बताए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी को और करीब से और देखते हैं, क्योंकि अमेरिका दावा कर रहा है कि यहाँ पर पुतिन की मौत हो सकती है। दोस्तों, पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान अपना दिमागी संतुलन खो देता है। और बताया जाता है कि इस बीमारी की चपेट में इस समय पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पीड़ित हैं। और ये बीमारी तब होती है जब दिमाग में मौजूद सेल्स मरने लगते हैं, और ऐसा तब देखने को मिलता है जब डोपामाइन नामक रसायन की कमी होने लगती है, दिमाग में मौजूद कोशिकाओं की संख्या घटने लगती है और इस बीमारी के लक्षण भी इंसान के शरीर में दिखने लगते हैं। इसमें इंसान का हाथ पैर अपने आप कांपने लगता है, इंसान के हाथ पैर पर उसका कंट्रोल खो जाता है, मांसपेशियों का लचीलापन खत्म हो जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, बोलने में परेशानियां होने लगती है। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि जिस इंसान को ये बीमारी होती है, उसके हाथ से उसको लिखने में भी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा बीमारी जैसे जैसे इंसान के ऊपर अपना काबू करती रहती है, वैसे वैसे इंसान की सोचने और समझने की शक्ति खत्म होती रहती है। इसके अलावा देखने को कभी कभी ये भी मिलता है कि इंसान की याददाश्त चली जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर केस में याददाश्त चली ही जाए। पार्किंसंस के बारे में मिलता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इस बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए फिजियोथेरेपी और दवाइयों का सहारा लिया जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट नाम की एक समाचार एजेंसी ने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया है कि बीते दिनों रूस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन मास्को स्थित अपने घर पर गिर गए थे, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और उनके पीठ पर चोट आई है। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर गिरने की वजह से उनको तो चोट आई थी, जिसकी वजह से उनके पेट में पहले से ही कैंसर की खबर निकल के आई है, जिससे वो जूझ रहे थे। और इस स्थिति में ये भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन जब पिछले महीने अपने क्यूबा के समकक्ष मिगुएल डियाज कैनल के साथ मिले थे, तो हाथ मिलाने के दौरान उनके हाथ कांप रहे थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि इस दौरान उनके हाथ हल्के स्याही हो गए और ये लक्षण पार्किंसंस बीमारी के है और ये लक्षण पार्किंसंस बीमारी के हैं। दोस्तों, पुतिन के करीबियों ने यह दावा किया है कि पुतिन ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है कि पुतिन की बीमारी के बारे में कोई खबर निकल के आ रही है। इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि 2014 में पुतिन के कैंसर से पीड़ित होने की खबर निकल के सामने आई थी। तब इस पर पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिकी अखबार में छपी मीडिया रिपोर्ट्स का मजाक उड़ाते हुए इनको अफवाहों से बचने की सलाह दी थी। अब आइए जानते हैं कि पुतिन की अचानक मौत के बाद कौन संभालेगा रूस की सत्ता। 70 साल के पुतिन करीब 2 दशक से रूस की सत्ता पर काबिज है। पिछले साल उन्होंने एक कानून पर साइन किए जिससे वो 6 साल के 2 और कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन में बने रहने के लिए पुतिन देश के कानून बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पुतिन की तबीयत खराब चल रही है और आने वाले समय में अगर पुतिन की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में रूस का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पुतिन 2036 तक रूस की सत्ता पर बने रहेंगे, और अगर जिस तरीके की खबर निकल के आ रही है उसके चलते पुतिन की मौत अगर हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि 3 महीने के लिए यहाँ पर पीएम यानी कि रूस के प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप दी जाएगी। शुरुआती तौर पर पीएम मिखाइल रूस के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिए जाएंगे। देश में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए 3 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएंगे।
पुतिन ने ऑफिशियल रूप से अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। एक संभावित नाम पुतिन के करीबी और उसके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का माना जा रहा है। हाल के वर्षों में वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति रहे हैं, खासतौर पर यूक्रेन पर हमले के बाद। अगर पुतिन अचानक बीमारी से मर जाते हैं तो लोगों को इस बारे में सूचित किया जाएगा और एक उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या किसी अजनबी को रूस का राष्ट्रपति चुना जा सकता है या फिर नहीं। संविधान के अनुसार पीएम पुतिन की मौत के बाद तुरंत ही पुतिन की जगह राष्ट्रपति बन जाएंगे और 3 महीने के भीतर ही एक चुनाव करवाया जाएगा। इसके अंदर रूस के नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। इसकी संभावना है कि पुतिन के आसपास के लोग एक भरोसेमंद उत्तराधिकारी का चयन करें, जैसे शोइगु, जिन्हें संभावित उत्तराधिकारी और सबसे लोकप्रिय और स्वीकार चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, या फिर कोई ऐसा जिसे हम नहीं जानते हैं, जैसे पुतिन आए थे। ये संभव है, यहाँ पर पुतिन जैसा भी नया चेहरा रूस का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा जो पुतिन के शरीर में अमेरिकी चूक होने का दावा कर रहे हैं, वो लोग गलत दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। दोस्तों, जिस तरीके के दावे पुतिन के कर्मियों की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर उन दावों में सच्चाई होगी तो आने वाले समय में पुतिन की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से अगर वो सच में ब्लड कैंसर पीड़ित होंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके अलावा भी जिस तरीके की बीमारियों के दावे किए जा रहे हैं, वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा सच्चाई थी कि नहीं। अगर ज़्यादा दिनों तक पुतिन की तबीयत खराब रहती है तो इस चीज़ से ये तो पता चल जाएगा कि जो भी दावे किए जा रहे हैं अब तक उन दावों में कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद थी। और अगर हाल के दिनों में सीढ़ियों से गिरने की वजह से कमर पर लगी चोट के बाद वो ठीक होकर वापस सत्ता में लौट कर आते हैं तो इस चीज़ से ये तो साफ हो जाएगा कि जो भी दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहीं ना कहीं गलत हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन का चेहरा देखकर आपको लगता है कि उन्हें कोई घातक बीमारी हो सकती है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।